हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप डायरेटिक्स के बारे में। ठीक है, लूप डायरेटिक्स के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैंने आपको इसका क्लासिफिकेशन बताया था डायरेटिक्स का, तो मैंने आपको बताया था कि जो लूप डायरेटिक्स होती है ये असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले है उस पर ये क्या करती है, एक्ट करती है। ठीक है, अब जो लूप डायरेटिक्स जो हमारी क्लास है इसके अंदर कई सारी ड्रग्स आती है, जिसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स हमारे पास वो है हमारे पास कौन सी, फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटेनाइड और एक हमारे पास कौन सी, इथाक्राइनिक एसिड। इतनी इम्पोर्टेंट ड्रग नहीं है ये, जबकि ये जो तीनों ड्रग है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड और ब्यूमेटेनाइड। क्लियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो लूप डायरेटिक्स होती है उस लूप डायरेटिक्स के अंदर मोड ऑफ एक्शन कैसे होती है। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे हल्का सा चार्ट, इसके अंदर क्या है, मैंने आपको दिखा रखा है कि ये है हमारी ट्यूबुलर सेल्स, ये हमारा ट्यूबुलर फ्लूड है और ये हमारा इंटरस्टीशियम ब्लड है। ठीक है, ट्यूबुलर सेल्स कौन सी जगह की है, ये हमारी लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिंब। क्लियर, तो होता क्या है कि जो असेंडिंग लिंब होती है लूप ऑफ हेनले पे, उसमें क्या होता है, एक को ट्रांसपोर्टर पाया जाता है। ठीक है, को ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या है, दोनों जो आयंस होंगे वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। क्लियर, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ठीक है, को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। मैं नॉर्मल कंडीशन की अभी बात कर रहा हूं सबसे पहले, तो हमारे क्या है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप थोड़ा इमेजिन करना कि यूरिन आ रहा है और कहां तक आ गया, ये लूप ऑफ हेनले तक आ गया। अब लूप ऑफ हेनले तक आने के बाद क्या होगा, यूरिन के अंदर तो सारे आयंस वगैरह सब प्रेजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे क्या है, जो क्लोराइड होता है और जो सोडियम और पोटेशियम होता है, ये दोनों क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, ये ट्यूबुलर सेल्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर सेल्स के अंदर चले गए ट्यूबुलर फ्लूड से। अब क्या होगा कि जो क्लोराइड होगा ये यहां से कहां पे चला जाता है, इंटरस्टीशियम ब्लड के अंदर चला जाता है, और जो सोडियम होता है ये भी क्या होता है, इंटरस्टीशियम ब्लड के अंदर चला जाता है, और यहां से क्या होता है, पोटेशियम एक्सचेंज हो जाता है, और पोटेशियम जो होता है इस पोटेशियम को फिर से क्या होता है, ट्यूबुलर फ्लूड के अंदर बाहर फेंक दिया जाता है, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल इन ल्यूमेन, ताकि पॉजिटिव पोटेंशियल ल्यूमेन के अंदर बना रहे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो इतना समझने के बाद आप देखना कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो ये हुआ। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये होने के बाद हम बात करते हैं कि लूप डायरेटिक्स क्या काम करते हैं, कि जो लूप डायरेटिक्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, कि ये जो आपका को ट्रांसपोर्टर था, इस को ट्रांसपोर्टर को लूप डायरेटिक्स ने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। अब अगर मान लो लूप डायरेटिक्स ने इस को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ये यहां से रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और ये कहां पे चले जाएंगे, हमारे लूप ऑफ हेनले से डीसीटी के अंदर चले जाएंगे। अब डीसीटी के अंदर क्या होता है, डीसीटी के अंदर आपको एक चीज पता है कि जो डीसीटी होती है हमारी, वो सोडियम पोटेशियम को क्या करती है, एक्सचेंज करती है। ठीक है, अब सोडियम यहां से जा रहा है तो इसकी ये किसके साथ एक्सचेंज होगा, वहां पर पोटेशियम के साथ, तो पोटेशियम बाहर आ जाएगा, सोडियम अंदर चला जाएगा, तो पोटेशियम का भी लॉस हो रहा है, सोडियम का भी लॉस हो रहा है, क्लोरीन का भी लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम का भी लॉस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट हमारा हो जाएगा भाई, वाटर का तो लॉस होना ही होना है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो है सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन सारे इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, इन सारे इलेक्ट्रोलाइट का जो है लॉस होता है। ठीक है, यहां पर मैं लॉस लिख देता हूं, क्लियर फ्रेंड्स, तो इनका लॉस हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख रखा है बाइकार्बोनेट आयन का भी लॉस हो रहा है। क्यों, इसका रीजन ये है कि जो फ्यूरोसेमाइड हमारे पास जो ड्रग है, ये जो लूप डायरेटिक्स है, ये फ्यूरोसेमाइड, ठीक है, ये लूप डायरेटिक्स क्या काम करती है, इसके अंदर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बाइकार्बोनेट भी यूरिन के अंदर बाहर निकल रहा है, इसका भी लॉस हो रहा है बॉडी से। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बाइकार्बोनेट का लॉस यहाँ पर क्यों हो रहा है, सिंपल सा रीजन है, क्यों फ्यूरोसेमाइड के अंदर जो
कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एक्टिविटी है बहुत ही वीक होती है। क्लियर। तो ये हमारी इसकी जो है मोड ऑफ एक्शन होती है। आगे मैं बात करता हूँ, मैंने एक चीज बताई थी कि जो हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है उसको तो हम डायरेटिक्स के जो है डायरेटिक्स के फॉर्म में यूज लेते ही नहीं है, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लूप डायरेटिक्स के बारे में, तो लूप डायरेटिक्स को हम हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी बोलते हैं। क्यों? हाई सीलिंग का मतलब इसकी बहुत ज्यादा एफिकेसी होती है। क्लियर। तो हाई सीलिंग डायरेटिक्स क्यों बोलते हैं वो देखना आप, कि दे हैव हाईली एफिकेशियस, ठीक है, एंड सॉरी बिकॉज दे आर हाईली एफिकेशियस हैव मैक्सिमल सोडियम प्लस एक्सक्रीटिंग कैपेसिटी व्हेन कंपेयर टू थायजाइड एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस ड्रग को, अगर मैं लूप डायरेटिक्स को पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स और थायजाइड के साथ कंपेयर करता हूं, ठीक है, तो उनके कंपेयर में क्या है, उनके कंपेयर में जो लूप डायरेटिक्स होती है ये ज्यादा अमाउंट में सोडियम को बाहर निकालती है बॉडी से, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इसकी जो एफिकेसी होती है थायजाइड और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, वो जो ड्रग्स होती हैं स्पाइरोनोलैक्टोन एप्लेरिनोन, ठीक है, ये सारी क्या होती है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स होती है, तो इनके कंपेयर में ये ज्यादा एफिकेशियस होती है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी बोलते हैं। क्लियर। दूसरी बात हम करते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक नॉर्मल है, क्या है हम देख लेते हैं एक बार। ये जो ड्रग होती है ये जीआईटी के थ्रू रेपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरी बात कि जो फिरोसेमाइड और ब्यूमेटेनाइड है, ठीक है, ये जो दोनों ड्रग हैं फिरोसेमाइड और ब्यूमेटेनाइड, इनको आप ओरली भी ले सकते हो, इंट्रावेनस के फॉर्म में भी ले सकते हो और इंट्रामस्कुलर फॉर्म में भी ले सकते हो। बट अगर मैं टोरसेमाइड की बात करता हूं तो इस टोरसेमाइड को ओरली और आईएम के थ्रू दिया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हमारी सी फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमने बात करी थी ब्यूमेटेनाइड की और टोरसेमाइड की। तो जो ब्यूमेटेनाइड और जो टोरसेमाइड ड्रग है हमारे पास, इनको हम ओरली भी ले सकते हैं फिर इंट्रली भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। दूसरी बात क्या है कि जो फ्यूरोसेमाइड ड्रग होती है, इस फ्यूरोसेमाइड ड्रग से ज्यादा एफिकेशियस होते हैं, ज्यादा पोटेंट होते हैं कौन, ब्यूमेटेनाइड और टोरसेमाइड, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एक ये भी बात होती है कि ये जो ड्रग होती है ब्यूमेटेनाइड और टोरसेमाइड जो ड्रग है, इनकी बायो अवेलेबिलिटी फ्यूरोसेमाइड से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे इसके लूप डायरेटिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यूज, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो हमारे पास जो लूप डायरेटिक्स है इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहली बात हम करें कि रिनल और कार्डिक एडिमा जो होता है, ठीक है, उनकी इनिशियल स्टेज के अंदर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जो रिनल एडिमा है और जो कार्डिक एडिमा है, एडिमा का मतलब क्या हुआ, एडिमा का मतलब स्वेलिंग, मतलब वहां पर जो टिश्यू है उसके अंदर फ्लूड इकट्ठा हो गया, तो हमें फ्लूड को निकालना है तो हम किसका यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है हम डायरेटिक्स का यूज करेंगे, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी बात हम करें कि इंट्रावेनस फ्यूरोसेमाइड जो देते हैं हम, ठीक है, हाइपर कैल्शियमिया के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी हम फ्यूरोसेमाइड का या लूप डायरेटिक्स का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मोड ऑफ एक्शन के अंदर कि ये जो होती है ड्रग हमारे पास, ये कैल्शियम को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है। तो कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको हाइपर कैल्शियमिया के पेशेंट के अंदर भी दे सकते हैं। बट अगर मैंने हाइपर कैल्शियमिया के पेशेंट में दिया तो ये क्या काम करेगा, ये कैल्शियम को तो बाहर निकालेगा जो निकालेगा, साथ में पानी को भी निकाल लेगा, ठीक है। इस वजह से पानी बॉडी से बाहर नहीं जाए, ज्यादा मात्रा में पानी बॉडी से बाहर नहीं जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फ्यूरोसेमाइड को हम आइसोटोनिक सलाइन के अंदर देते हैं, ठीक है, इंट्रावेनसली। तो ये जो आइसोटोनिक सलाइन होता है ये क्या काम करता है, वॉल्यूम डिप्लेशन को रोकने का काम करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में लूप डायरेटिक्स का यूज क्यों किया जाता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए होता क्या है कि जो लूप डायरेटिक्स होते हैं, ठीक है, सपोज देख मैंने किसी पेशेंट को इंट्रावेनसली फ्यूरोसेमाइड ड्रग दी। अब ये फ्यूरोसेमाइड ड्रग क्या काम करती है, ये बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को
और जो रिलीज है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, क्या करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को और रिलीज को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। जिसकी वजह से क्या होता है, आपने इन्फ्लामेशन में पढ़ा होगा वहां पे पैथोलॉजी के अंदर कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे वैसोडायलेशन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज सिस्टेमिक विनस कैपेसिटेंस ड्यू टू वैसोडायलेशन। तो जो सिस्टेमिक विनस कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वैसोडायलेशन करा रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, अब अगर मान लो सपोज दैट सिस्टेमिक वेनस कैपेसिटेंस बढ़ा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रल पल्मोनरी टू सिस्टेमिक वेसल्स। ठीक है, तो क्या होगा, जो ब्लड है, ठीक है, ये जो टिश्यू के अंदर फ्लूड भरा हुआ है, टिश्यू फ्लूड ब्लड का ही तो पार्ट है, तो ये जो ब्लड होगा वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, वो हमारी जो सेंट्रल पल्मोनरी है उससे सिस्टेमिक वेसल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सिस्टेमिक वेसल्स के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो फिलिंग प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए, ब्लड मेन हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा है, ठीक है, सिस्टेमिक वेसल्स के अंदर आ रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा, रीनल फ्लो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और आगे वही सारी प्रोसेस होगी, क्या होगी, जो होनी है। ठीक है, इसकी मोड ऑफ एक्शन मैंने बताई है। तो इससे क्या होगा, जो पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट है उसके सिम्टम कम होंगे, उसको रिलीफ मिलेगा। क्लियर, तो ये हमारे जो है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के अंदर हम लूप डायट्रिक्स का क्यों यूज करते हैं, इसको हम, इसको जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे मैं बात करता हूं कि जो सेरेब्रल एडिमा है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको वहां पे बताया था, जब मैंने आपको मैनिटोल वगैरह पढ़ाए थे, मैंने आपको जो है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो होते हैं उनका यूज हम क्या करते हैं, तब करते हैं जब इंट्राक्रेनियल टेंशन अगर बढ़ जाता है किसी पेशेंट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का यूज करते हैं। क्लियर, तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का वहां पे यूज करते हैं, वो उसके लिए प्रेफरेंशियल ड्रग है, उनको प्रेफर करते हैं वहां पे। ठीक है, मैनिटोल वगैरह को हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं ऐसी कंडीशंस के अंदर। ठीक है, और ये कंडीशन कब होती है, इंट्राक्रेनियल टेंशन कब बढ़ता है, जब अगर मान लो जो है कैंसर वगैरह की कंडीशन हो, या फिर इंजरी हो जाए, या फिर इडिमा वगैरह हो, ठीक है, सेरेब्रल इडिमा, तो उनके अंदर हम जो है किसका यूज करते हैं, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का यूज करते हैं, प्रेफरेंशियल ड्रग है। बट इस कंडीशन में हम लूप डायरेटिक्स का भी यूज कर सकते हैं सेरेब्रल इडिमा के अंदर। क्लियर, दूसरी बात अगर हम करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे क्या होता है, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी हम वॉल्यूम ओवरलोड को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, हमारी लूप डायरेटिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर अगर हम ब्लड चढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या हो जाएगा, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, तो उसको रोकने के लिए भी हम लूप डायरेटिक्स का यूज करते हैं। क्लियर, दूसरी बात अगर हम करेंगे हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं, उन हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम लूप डायरेटिक्स का यूज कर सकते हैं, बट लूप डायरेटिक्स जो है कोई प्रेफर्ड ड्रग नहीं है। क्लियर, हाइपरटेंशन के पेशेंट में भी हम कर सकते हैं, बट ये प्रेफर्ड ड्रग नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं लूप डायरेटिक्स के एडवर्स इफेक्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो लूप डायरेटिक्स का एडवर्स इफेक्ट है, इसके अंदर आपको तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी, कि जो लूप डायरेटिक्स होती है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टरबेंस पैदा कर देती है बॉडी के अंदर, और ये कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट के अंदर आता है। क्लियर, दूसरा क्या है, दूसरा है ये मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस भी पैदा कर देती है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी भी कॉज कर सकती है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका है वो है हमारे पास कौन सा, ओटोटॉक्सिसिटी। ये एकमात्र जो डायरेटिक्स है जो कि ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑटोटॉक्सिसिटी की। ठीक है, तो ये कौन सा जो डायरेटिक्स है वो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, कि हम बोलेंगे लूप डायरेटिक्स है। क्लियर, अब हम इनको पूरों को देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस मोर कॉमन होता है, तो आपको पता है कि ये बॉडी के अंदर से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट सबको क्या कर देती है, बाहर निकाल देती, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा, मतलब सोडियम की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई, हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा, हाइपोमैग्नीशियमिया हो जाएगा।
क्लियर। तो ये हाइपोकैल्शेमिया अगर मान लो, हाइपोकैलेमिया अगर मान लो किसी पेशेंट को हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए आप लूप डायटिक्स को या तो पोटेशियम स्पेरिंग डायटिक्स के साथ दे दो। लूप डायटिक्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालने का काम कर रहा है, बट पोटेशियम स्पेरिंग डायटिक्स पोटेशियम को बॉडी से बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास अच्छा रहता है। तो लूप डायटिक्स जो है उसको हम पोटेशियम स्पेरिंग डायटिक्स के साथ यूज कर सकते हैं हाइपोकैलेमिया से बचने के लिए, या फिर हम जो पेशेंट है उसको पोटेशियम सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि जो पेशेंट है उसको हाइपोकैलेमिया हो गया, तो उसको आपका पता कैसे चलेगा, सिंपल सी बात है कि उसके जो सिम्टम्स होंगे उनके अंदर क्या क्या सिम्टम होंगे, वो होंगे फैटिग, मस्कुलर वीकनेस, कार्डियक अरिथमिया, ये सारे सिम्टम उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था हाइपोनेट्रेमिया और या हाइपोकैल्शियमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया। आगे अगर मैं बात करता हूं तो मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस भी एक कोच कर सकती है, जिसके अंदर हमारे पास तीन चीज आती है, एक है हाइपरग्लाइसेमिया, एक है हमारे पास हाइपर यूरेसेमिया और एक हमारे पास हाइपर लिपिडेमिया। मतलब इस ड्रग की वजह से ग्लूकोज का लेवल, यूरिक एसिड का लेवल और लिपिड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ सकता है, ठीक है। जो है ग्लूकोज का लेवल किससे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है कि ये क्या करती है, ड्यू टू डिक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, इसकी वजह से इंसुलिन सिक्रेशन क्या होता है बॉडी के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया कोज हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि यूरिक एसिड जो है वो रेनल के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपर यूरेसेमिया भी कोज हो सकता है, इसके अलावा हाइपर लिपिडेमिया भी हो सकता है। और मैंने आपको जो तीसरा पॉइंट है जो इसका हाइपर सेंसिटिविटी, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे पास कौन सा, ऑटो टॉक्सिसिटी। ऑटो टॉक्सिसिटी जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, मतलब आप इस ड्रग को लेना बंद कर दोगे तो ऑटो टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी, अगर किसी पेशेंट के हो रही है तो इस ड्रग की वजह से। या फिर अगर मैं बात करूं कि लूप डायटिक्स है, उस लूप डायटिक्स को आपने ऐसी जो है ड्रग के साथ ले ली, वो भी क्या करती है, वो भी ऑटो टॉक्सिसिटी करती हो, तो ऑटो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, सीवियर कंडीशन में पेशेंट पहुंच सकता है, क्लियर। तो ये जो है लूप डायटिक्स के बारे में डिस्कस हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लूप डायटिक्स होती है उस लूप डायटिक्स का कौन कौन सी जो है ड्रग्स हैं उनके साथ ड्रग इंट्रैक्शन हम बात करेंगे, क्लियर गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, एकदम सब कुछ क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइस।